जिन लोगों को हारमोनियम बजाना सीखना है, बहुत जरूरी वीडियो है। अभी तक अगर आपको ध्यान होगा, मैंने चार अलंकार का वीडियो डाला था, आज मैंने चार अलंकार का वीडियो डाला, तो टोटल आपके पास अभी 8 अलंकार हो गए। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन 8 में से 7 अलंकार पकड़ेंगे। पहले 7 अलंकारों को मैं बिलावल थाट की पहली काली स्केल से आपको बैक टू बैक रिदम के साथ बजा के दिखाऊंगा। रिदम में हम लोग मेट्रोनोम का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको हारमोनियम बजाना सीखना है तो पहली चीज आपका हाथ चलना जरूरी है, आपकी वोकल स्वरों के साथ मैच होनी जरूरी है। हम क्या करेंगे, इन अलंकारों को, 7 अलंकारों को एक ही टेक में बजाएंगे, यानी कि पहले से शुरू करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7ों के 7ों अलंकार एक ही टेक में बजाएंगे और पहली काली स्केल से बजाएंगे, और 3 वेरिएशन में बजाएंगे, यानी कि स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और फास्ट स्पीड। स्लो स्पीड में जो टेम्पो रखेंगे 120 का रखेंगे, और जो मीडियम स्पीड में जो टेम्पो रखेंगे 150 रखेंगे, और फास्ट स्पीड में जो टेम्पो रखेंगे 180 रखेंगे। तीनों वेरिएशन में जब तक हमारा ये तीनों वेरिएशन में, यानी कि स्लो, मीडियम एंड फास्ट में, जब तक हमारे 7ों के 7ों अलंकार तैयार नहीं होते, तब तक हमें आगे कोई चीज़ अभ्यास नहीं करनी। तो अगर आप लोगों को वाकई में हारमोनियम सीखना चाहते हैं कि उंगलियां फास्ट हो, आपका गला चले, तो आपको ये रियाज करना है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं, कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, देखिए। So, अभी क्या करेंगे, हम इसका टेम्पो बढ़ाएंगे, यानी कि अभी मैं 120 पे बजा रहा था, अभी इसको हम 150 पे बजाएंगे, यानी कि हमें सेम 7ों के 7ों अलंकार 150 में पहले से शुरू करके 7वें अलंकार पे खत्म करना। चलिए अभी 150 देखते हैं। Sa ni ga ma pa ga ma pa dha ni 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 ga ma pa d
सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा गा रे सा। अभी लास्ट में हमें क्या करना है, 150 से 180 चले जाना है। सो हमें हमेशा कोई भी अलंकार जो हम बजाते हैं उसको हमें तीन वेरिएशन में बजाना है, यानी स्लो, मीडियम एंड फास्ट। अभी हम फास्ट स्पीड में ट्राई करने जा रहे हैं जो कि है 180। सो 180 में भी पहले अलंकार से सातों अलंकार एक ही टेक में बजने चाहिए। So, इस तरीके से हमें अलंकारों का अभ्यास करना है, पहले स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और फास्ट स्पीड। हर एक अलंकार को आपको गा के बजाना है जब तक आपका एक फ्लो में अलंकार नहीं बता। जैसे मान चलिए मैंने शुरुआत में क्या किया था, 120 का टेम्पो पकड़ा था। जब तक मेरा 120 के टेम्पो में सातों के सातों अलंकार एक ही टेक में नहीं बजते गा के, तब तक मुझे स्पीड नहीं बढ़ानी। ठीक है, जब 120 हो जाए फिर 150 पे जाना, फिर 180 पे जाना। तो इस तरीके से सही तरीका यही है रियाज करने का। हमने अभी क्या किया, सी शार्प से थाट बिलावल के जो पहले सात अलंकार हैं उनको गा के और रिदम के साथ, यानी कि मेट्रोनोम के साथ बजा के हमें अभ्यास किया। सेम इसी तरीके से आपको करना है, जो उंगलियां मैंने यूज की सेम यही उंगलियां आपको यूज करनी है। और वीडियो में भी आपको डिस्प्ले हो रहे थे फिंगर्स पैटर्न, ठीक है। सो जिससे आपको इजी हो गया होगा कि अलंकारों को कैसे सही फिंगर पोजिशन के साथ बजाना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के मदद से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते अगली वीडियो में।